नमस्कार दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में महाफ्लोक्स डी आई ड्रॉप के बारे में। देखेंगे ये क्या होती है, कहाँ इसका यूज किया जाता है, कहाँ डालने की आती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम में ये काम आती है, किस तरह से काम करती है, कितने दिन तक डालनी चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट कर सकती है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिये, महाफ्लोक्स जो आता है एक ब्रांड आता है मैनकाइंड कंपनी का। ये दोस्तों आंखों में डालने की एक आई ड्रॉप आती है, आंखों के सिवा और कहीं पर भी इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। ये आई स्पेशलिस्ट के द्वारा ही प्रिस्क्राइब की जाती है, तो कभी भी इसका सेल्फ यूज भी नहीं करना है। लगभग ये हर केमिस्ट स्टोर पर, हर दवाई दुकान पर आसानी से मिल जाती है। बात करते हैं भाई ये क्यों दी जाती है। तो दोस्तों, जब आंखों के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पर डॉक्टर इसको दे सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये अच्छा काम करती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को वैसे तो डॉक्टर चेक करके, मशीन चेक करके जान लेते हैं। कुछ सिम्टम भी होते हैं, जब आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है तो आंखें लाल रह सकती है, आंखों में पानी आ सकता है, आंखों में इचिंग चल सकती है, आंखें सूजी सूजी बड़ी बड़ी दिख सकती है, या आंखों में गेड़ आना स्टार्ट हो जाता है, यानी जिसको हम कहते हैं आंख आना, ठीक है, तो वो होने लगता है, आंखें चिपकी रहती है। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं जिसे पता चल जाता है, तो वहां पर ये दी जाती है। या दोस्तों, कभी कभार कुछ आंखों में मच्छर गिरने के कारण भी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, आंखें लाल रह सकती है, आंखों से पानी आ सकता है, तो वहां पर भी डॉक्टर दे सकते हैं। या कोई पार्टिकल गिर जाए आंखों में, पार्टिकल गिरने के कारण आंखों में चोट लग जाए, रक्त का थक्का जम जाए, आंखों में लाली मार जाए, तो भी डॉक्टर दे सकते हैं। दोस्तों, आफ्टर सर्जरी, जब आंखों की सर्जरी होती है तो सर्जरी होने के बाद इन्फेक्शन ना हो, या सर्जरी होने के बाद आंखों में लाली मार है, आंखों से पानी आ रहा है, तो भी वहां पर भी डॉक्टर दे सकते हैं। आंखों में स्वेलिंग है, रेडनेस है, या लालिमा है, तो दी जाती है। बात करते हैं भाई काम किस तरह से करती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो देखिए, इसके अंदर दो सॉल्ट आते हैं, पहला है मोक्सीफ्लोक्सासिन, दूसरा है डेक्सामेथासोन। दोस्तों, मोक्सीफ्लोक्सासिन जो है एंटीबायोटिक होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया को बढ़ाती है उनको, उनकी ग्रोथ को रोक देता है, उनको नहीं बढ़ने देता, कुछ एंजाइम्स को भी ब्लॉक करके काम करता है। डेक्सामेथासोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, एक तरह का स्टेरॉइड होता है जो कि सेफ भी है, जो लालिमा सूजन को कम करने का काम करता है, कुछ केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है जिनके कारण लालिमा सूजन इचिंग वगैरह होती है। बात करते हैं डोज के बारे में कि भाई कितनी डाली जाती है, कितने दिन तक डाली जाती है। तो देखिए, वैसे तो अपने आई स्पेशलिस्ट के हिसाब से डालनी चाहिए। अगर इसकी नॉर्मल डोज की बात करूँ तो दिन में 2 से 3 बार आप डाल सकते हैं। ज्यादा लंबी तो नहीं चलती, 5 दिन 7 दिन 10 दिन चलती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो हो सकता है डालने के बाद आंखों में धुंधला दिखने लगे, आंखों से धुंधला दिखने लगे, इसलिए गाड़ी चलाते समय नहीं डालनी चाहिए, या आंखें ड्राई रहने लगे, आंखें टाइट रहने लगे, लेकिन ये बहुत ही कम चांस में होते हैं। सावधानी इसके ही है, कभी भी आपको सेल्फ यूज नहीं करना है। डालने के बाद अगर ये सूट नहीं करे, प्रॉब्लम में काम नहीं आए, तो डॉक्टर को बताना है। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में भी अपने डॉक्टर के हिसाब से ही लेनी चाहिए। दोस्तों, एक काम है जो आई ड्रॉप नहीं करती, वो सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं।